चिड़िया। इसका शीर्षक है चींटी और चिड़िया। इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि इनके दो गुरु हैं जिनसे इनको शिक्षा मिलती है। ये कहते हैं कि मेरे दो गुरु हैं, एक है चींटी और दूसरी चिड़िया। एक ने परिश्रम का पाठ पढ़ाया, दूसरी ने चढ़ते गाते जीवन जीना सिखाया। एक ने परिश्रम का पाठ पढ़ाया, दूसरी ने चढ़ते गाते जीवन जीना सिखाया। दोनों ही मेरे गुरु हैं। कवि कहते हैं कि चींटी ने उन्हें परिश्रम का पाठ सिखाया है और चिड़िया ने उन्हें चढ़ते गाते जीवन जीना सिखाया है। उनके ये दोनों गुरु हैं। चींटी दिन निकलते ही काम करना शुरू कर देती है। अपने से ज्यादा भोजन के दानों को मुंह में दबाए घसीटते हुए बिल में घसीट कर ले जाती है। वह थकती नहीं है। आप लोग भी देखते होंगे कभी चींटी को कि चींटी होता तो छोटू सा है, लेकिन वो अपने से ज्यादा भोजन के दाने को वो घसीटते हुए ले जाती है। वह कभी थकती नहीं है। वह परिश्रम करना अच्छे से जानती है। परिश्रम से वह भागती नहीं है। चींटी निराशा उसे घेरती नहीं है। उस पर निराश नहीं होती है कि ये इतना बड़ा है और मैं इसे कैसे ले जाऊं। वह मेहनत करती है, परिश्रम करती है, कोशिश करती है और इसीलिए शायद वह हारती भी नहीं है। अकेले से बात नहीं बनती, वह सहायता के लिए औरों से करती है। चींटी जब अकेले किसी चीज को उठाने में ले जाने में यहाँ से वहां सक्षम नहीं होती है तो वह सहायता के लिए और अपने साथियों से करती है। फिर तो क्या, फिर तो आनंद खाने के सब काम में जुट जाते हैं और उसे पूरा करके ही मानते हैं। फिर जब वो अपने साथियों से सहायता मांगती है तो फिर जल्दी जल्दी में सब तो उसके साथ उसकी सहायता करने लगते हैं और वह काम जल्दी से पूरा भी हो जाता है। इसी को कहते हैं एकता। वह एक होकर के एकमत होकर के अपना काम पूरा करती है। उस परिश्रम धीरज और सहयोग यह चींटी से सीखता रहा, पर अफसोस कि अभी चींटी की तरह नहीं हो पाया। कभी कहते हैं कि मैं परिश्रम धीरज और सहयोग ये सभी चीज चींटी से सीखता रहा हूँ। चींटी परिश्रम करना अच्छे से जानती है, वह अपना धैर्य नहीं खोती है और एक दूसरे का सहयोग भी करती है। ये सभी चीजें वह किससे सीखने को मिलती है, चींटी से। लेकिन उनको यह भी अफसोस है कि वह चींटी की तरह नहीं बन पाई है, तो उन्हें यह आशा है कि जो वो नहीं कर पाई वो अपने मतलब इस पंक्तियों के द्वारा वो चाहते हैं कि जो मैं नहीं किया वो मेरे बच्चे करे। ठीक है। चींटी भोर होते ही सूर्य का दर्शन करने, भगवान को धन्यवाद देने, प्रभाती गाने लगती है। चिड़िया जब सुबह होती है तो वह सूर्य का दर्शन करने निकल पड़ती है और भगवान को धन्यवाद देती है, प्रभाती गाने लगती है। प्रभाती मतलब सुबह सुबह गाने जाने वाला गान। इस गान के आगे मंदिरों से बेसुरे गलियों से निकले आरती के स्वर फीके नीरस है। वह इतना सुंदर गाना गाती है जिसके आगे मंदिरों में जो बेसुरे कंठों से जो आरती होता है वो फीके पड़ जाते हैं उस चिड़िया के गान के आगे। चिड़िया चींटी की तरह धन को संग्रह नहीं करती है, वह इकट्ठा करके नहीं रखती है, वह जमा करके नहीं रखती है कि इसको कल खाएंगे, वो ऐसा नहीं करती है। वह नित कुआ खोदती है, नित पानी देती है। वह रोज परिश्रम करती है, रोज खाती है, रोज पीती है। आज जिसने दिया कल भी वही देगा। वह चिड़िया सोचती है कि आज जिस ईश्वर ने मुझे आज
परेशान है। कभी कहते हैं कि चिड़िया काम करती है, गाती है और प्रसन्न रहती है, खुश रहती है। उसे में विश्वास है, उसे अपने पर भरोसा है। काश उसे आधे घूम भी मुझ में आ जाते तो मैं बदल देता इस आलस भरी आस्था की दुनिया को। मेरे दो गुरु हैं, एक चींटी एक चिड़िया। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि उनके दो गुरु हैं, एक चींटी और दूसरी चिड़िया। एक ने उन्हें परिश्रम करना सिखाया है तो दूसरे ने उन्हें आस्था मतलब विश्वास करना, अपने पर भरोसा करना सिखाया है। जिसे भरोसा है, एक ने उन्हें धन संग्रह करना सिखाया है तो दूसरे ने अपने पर भरोसा रखना सिखाया है। वो चाहते हैं कि काश मैं भी मतलब आप लोग भी ऐसा करोगे तो अपने ये जो आस्था